शेयर बाजार में एक बार फिर भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 63,000 के पास खिसक गया। ये 901 अंक लुढ़का, जिससे वो 63,148 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19,000 के नीचे चला गया, ये 265 अंक टूटा। इस गिरावट के साथ निफ्टी 18,857 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बैंकिंग, आईटी और मेटल समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़े। सोना 300 रुपए महंगा हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,000 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में भी 500 रुपए की उछाल रही। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 75,000 रुपए पर पहुंची। जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खास सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने पर काम कर रही है, जो फिलहाल इस्तेमाल हो रही लिथियम आयन बैटरियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी। दावा है कि ये 10 मिनट में फुल चार्ज होगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज 1200 किलोमीटर कर देगी। इस बैटरी को बनाने के लिए टोयोटा ने जापानी कंपनी इडेमित्सु के साथ करार भी किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब इस बैंक के ग्राहकों को एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब इस बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 2.75% से 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने ये इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए हैं।